कोविड का टाइम था और मेरे पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब था और उस टाइम पे हमारे एक लेकिन मेरी मम्मी ये थी कि तुझे स्ट्रगल का लाइफ क्यों चुनना है व्हेन यू हैव ए वेरी लक। क्या था कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस किया था और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज़ भेजे थे। तो सर का टेलीग्राम में एक चैनल है जहाँ पे सर रोज़ क्वेश्चंस डालते थे एंड आई वाज रेगुलर। मैं रोज़ एटलीस्ट एक क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर लिख लिख। और मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप खुद पे बिलीव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया है तब तक आप आप आज हमारे साथ हैं आयुषी प्रधान, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 36। तो इस वीडियो में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही और इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी जर्नी के दौरान। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बात करें, जब रिजल्ट आया था तो उस समय घर का एनवायरनमेंट कैसा था? घर में सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा रैंक आया था लेकिन मुझे आईएएस नहीं मिला था, तो इसलिए घर में इतने खुश नहीं थे। तो जब रिजल्ट आया मैं घर में नहीं थी, आई वॉज ऑन ए ट्रिप। तो जब मैंने घर में बताया तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे मम्मी एंड पापा एंड उनका उनकी खुशी आई थिंक इट वॉज़ कम्प्लीटली वर्थ जो मैंने इतना स्ट्रगल किया था। एंड मैम, किस टाइम आपको लगा कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यूपीएससी की जर्नी पे निकलना चाहिए, और कितना टाइम हो गया आपको इसमें? मुझे इसमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। कोविड का टाइम था और मेरे पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब था और उस टाइम पे हमारे एक मतलब फैमिली में जानकारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया था। तो उस टाइम में मुझे ये पता चला था कि एक जो ऑफिसर होते हैं जो आईएएस में होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में होते हैं वो जो नीडफुल लोग होते हैं उनको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड वहीं से मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला कि मुझे अपना जो टेक्निकल जॉब था उसे क्विट करके कुछ मतलब सिविल सर्वेंट बनना है। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। 2019 मेरा पास आउट ईयर है। उसके बाद मैंने एक साल काम किया है टेक्निकल कोडिंग वगैरह वो सब किया है। ओके, तो बात करें, आप इंजीनियर हैं, तो एज अ इंजीनियर इतनी अच्छी प्रोफेशन छोड़ के, तो जब आपने ये बात बताई घर में कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? माई फादर वॉज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि तुझे जो सही लगे तू कर, लेकिन मेरी मम्मी ये थी कि तुझे स्ट्रगल का लाइफ क्यों चुनना है व्हेन यू हैव ए वेरी लग्जरियस लाइफ अहेड। मेरा IIM वगैरह से MBA का भी कॉल आए रखे थे, तो शी वॉज़ लाइक यू हैव सच ए गुड लाइफ अहेड तो इतना स्ट्रगल क्यों करना है। एंड IAS IPS के बाद भी काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, तो शी वॉज़ इनिशियली अ बिट रिलेक्टेंट लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे कितना ज़्यादा मन है, देन उसके बाद मुझे 100% सपोर्ट मिला है मेरे पेरेंट्स से। जैसा कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, जी तो स्ट्रेटजी की बात करें, कुछ ही महीनों बाद प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, किस तरह से आपने इसको टैकल किया? प्रीलिम्स में मैंने सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पे फोकस किया था। माय स्ट्रेंथ पॉइंट्स इंक्लूडेड पॉलिटी इकोनॉमी, तो उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाए थे, सेक्शनल लगाए थे एंड फुल लेंथ टेस्ट अलग लगाए थे और उससे मैं कंप्लीट उसको एनालिसिस करती थी और वहाँ से मुझे ये पता चलता था कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, तो उसको जाके मैंने फिर से रिवाइज करती थी और बुक में हाईलाइट करती थी। तो माय स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल टेस्ट एंड एनालिसिस आफ्टर दैट। ओके, एंड बात करें मैम, जीएस स्कोर, GS1 और GS2, इन सारी रिलेटेड, और एसे राइटिंग की बात करें, तो एसे राइटिंग जो एक बहुत अहम रहता है इसमें, तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? तो ऐसे में लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे, 105 था, तो इस बार 25 मार्क का इम्प्रूवमेंट है, तो इसके लिए मैंने स्ट्रक्चरिंग पे काफ़ी काम किया जी। तो ऐसे में मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, तो ऐसे में मैंने क्या किया था कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस किया था और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज़ भेजे थे। तो सर ने ऐसे कॉपीज़ को सही से इवेल्युएट किया था और सर ने बताया था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, जैसे कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट करती थी तो सर ने बताया था कि टॉपिक डाइवर्शन आपको अवॉइड करना है, स्टिक टू द टॉपिक। एंड सर ने मुझे स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बताया था कैसे इंप्रूव करना है, तो उससे मेरे ऐसे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आए। उसके अलावा सर का टेलीग्राम चैनल था तो मैं उस पे रोज़ सर क्वेश्चंस भेजते थे तो उस पे मैं आंसर्स लिखती थी और मैंने सर को भेजा था आंसर्स एंड सर उस पे फिर कमेंट्स करते थे कि हाउ टू इम्प्रूव, क्या क्या मेरे गलतियाँ हैं एंड वो सब रोज़ करंट अफेयर्स हिंदू आर्टिकल्स के बेस थे, उससे मेरा करंट अफेयर्स भी होता था एंड आंसर राइटिंग दोनों साइमल्टेनियसली होता था। थोड़ा सा और बताना चाहेंगी कि कैसे कैसे आपको इस चीज़ के बारे में फ़ायदा हुआ? जी
तो सर का टेलीग्राम में एक चैनल है जहाँ पे सर रोज़ क्वेश्चंस डालते थे, एंड आई वाज रेगुलर. मैं रोज़ एटलीस्ट एक क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर लिखती थी. एंड जो बच्चे काफ़ी रेगुलर थे और जिनके आंसर्स अच्छे थे, तो सर उनको पर्सनलाइज थोड़ा बहुत बता देते थे. तो जैसे कि सर को मेरा आंसर काफ़ी अच्छा लगा था, तो सर ने उसको चेक किया था, एंड उस पर सर ने कमेंट्स दिए थे कि कैसे उसको और इम्प्रूव करना है. और इसके बाद मैंने सर से पर्सनली ये भी बोला कि सर मेरा एसे में मार्क्स काफ़ी कम है, 105 है. तो सर ने फिर मेरा एसे को पर्सनली सर ने बताया कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है, एंड उसका इस बार स्कोर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. मेरा 130 है एसे में इस बार. सर ने स्ट्रक्चरिंग पे बताया था, सर ने एनेक्डोट्स कैसे अच्छे डालने हैं, कोटेशंस कहाँ पे लिंक करना है, सब कुछ सर ने अच्छे से समझाया था. मैम, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिनके अभी जस्ट प्रीलिम्स है इस बार, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप खुद पे बिलीव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया है, तब तक आप क्विट मत कीजिए. लाइक मैंने मतलब मैंने इस बार अपना 100% दे दिया था, एंड दिस मतलब मैंने ये सोचा था कि इस बार नहीं हो रहा है, देन आई एम क्विटिंग इट. सो अंटिल यू हैव गिवन योर 100%, डोंट क्विट. आप अपना 100% दीजिए, अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर कीजिए. उसके अलावा आई विल से कि डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेस. आप कम चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़ के उसको रिवाइज़ कीजिए. आप जो आप टेस्ट सीरीज से जो आपका गलतियाँ हो रहे हैं, उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसको आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, एंड एग्जाम के जो लास्ट वीक में होते हैं उसको आप रिवाइज़ कीजिए कि आपका क्या क्या गलतियाँ हो रहा है बार बार. और PYQ को अच्छे से कीजिए, एंड एट द एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड डेफिनेटली आप जरूर सक्सेस पाएंगे.